गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या फीलिंग्स है, क्या फैसला आपके जो पर्सन है वो लेने वाले हैं इन द फ्यूचर आपके रिलेशन के लिए, सो उसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग है। और रीडिंग को पूरा देखा कीजिए एंड नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने जो पर्सन के लिए मैसेज कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है ये, इस वक्त जो आप वॉच कर रहे हैं, सो प्लीज़ जनरली देखिए इस रीडिंग को। सो नेक्स्ट एक्शन के लिए है रीडिंग, नेक्स्ट एक्शन को देखने वाली हूँ टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है, जो नेक्स्ट फैसला है वो क्या रहने वाला है। सो सबसे पहले आपके पर्सन की मैं साइन भी बताऊंगी, सो एनर्जीज ले लेती हूँ पूरी मैं पहले, उसके बाद ही साइन बता पाऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले गॉड का ब्लेस जरूर लिया कीजिए। द हर्नेट, ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आपके जो पर्सन हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस, लिब्रा, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, एंड बहुत सारे साइंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, मेजर साइंस एंड जर्मनी भी हो सकते हैं। सो कलेक्टिव रीडिंग है ना गाइस, तो बहुत सारे साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अपना वाला साइन रख सकते हैं और जो बाकी के साइन है आप उसको छोड़ दीजिए। और अब मैं देखना स्टार्ट करती हूँ क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या फैसला आपके जो पर्सन है वो लेने वाले हैं। सो बहुत लॉन्ग टाइम से मैं कहूँगी आपके जो पर्सन है ना, चीज़ों में उलझे हुए थे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, एक फैसला लेना चाहते थे अपनी लाइफ में, एक डिसीजन लेना चाहते थे पर वो ले नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके मन में ओवर थिंकिंग चल रही थी, डीपली चीज़ों को सोच रहे थे, पास्ट को भी सोच रहे थे, प्रेजेंट को भी सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्टक एनर्जीज में मुझे वो नज़र आ रहे थे। एक ही चीज़ को बार 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 मुझे वो सोचते हुए नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग्स में भी नज़र आ रहे थे आपके पर्सन। एकदम टोटली कंफ्यूज हो रहे थे, किसी डिसीजन को लेना चाहते थे, उसके लिए दिन रात सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो पर्सन है ना, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट मुझे उन्हें नज़र आ रही है। किसी कोई गाइडेंस चाहते हैं वो, किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं, किसी एल्डर को या किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी को भी जो उन्हें गाइड करे कि क्या डिसीज़न ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी ना लाइफ में कंपैरिजन करते हैं अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, तो वो यही फाउंड करते हैं कि उनके जो पास्ट था यानी कि जो आपके साथ उनका जो बीता हुआ कल था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल एनर्जीज में था और गुड एनर्जीज में था, पॉजिटिव एनर्जीज में था। मतलब जो कुछ भी वो चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो मतलब उनको मिलता जा रहा था, कि कर वो उन्हें ग्रोथ फील होती थी अपनी लाइफ में। एकदम एक टाइम होता है जो अपनी लाइफ में हम ग्रोथ फील करते हैं ना, तो हम हैप्पी होते हैं, हम अप्रिशिएट होते हैं, बट अब आपके जो पर्सन है ना वो प्रेजेंट टाइम्स में कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि अपनी लाइफ में शायद उन्हें इनकम्प्लीटनेस फील होती है आपके बिना। क्योंकि मुझे यहाँ पे मोस्टली एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है, दोनों ही साइड पर मुझे ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। आप भी मुझे कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में डीपली थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, आप भी शायद अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और वहीं दूसरे हैंड पर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मुझे डीपली थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और एनर्जीज लूँगी मैं कि आपके जो पर्सन है ओके, द डेविल की कार्ड की एनर्जीज भी है, कहीं ना कहीं पास्ट में एनर्जीज ऐसी रही जिसमें आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है फैमिली में से या फ्रेंड में से, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है, जिसकी गाइडेंस की वजह से, या फिर मैं कहूँ कोई ऐसा पर्सन जिसको शायद अच्छा नहीं लगता था आप लोग का रिलेशन, या फिर जिसको ट्रबल्स क्रिएट करने में मतलब एक वो इन्जॉय कर रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एक ऐसा पर्सन था वो, मतलब एक अच्छा इंसान नहीं था वो, जो कोई भी था जिसने आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, या फिर हो सकता है आपके पर्सन का कैरियर जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, तो उसको वैल्यू देने के चक्कर में आपके पर्सन ने शायद अपने रिलेशन को ही वैल्यू नहीं दी, आप ही को वैल्यू नहीं किया। बिकॉज आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपने अपने रिलेशन में बहुत कुछ स्पेंड किया है, मतलब बहुत कुछ, अगर अपने अपने मैं बात करूँ आपके पर्सन की हेल्प की तो हमेशा शायद आप उनकी हेल्प के लिए रेडी रहे हो,
आप ही जानते होंगे आपने किन किन तरीके से अपने रिलेशन को हमेशा सपोर्ट किया है जिससे वो हमेशा ग्रो करता रहे और हमेशा एक अच्छी एनर्जीज में रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं द डेविल के कार्ड की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आई आपके रिलेशन में जिसने आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, और मतलब शायद आज भी आपको वो रीज़न नहीं समझ में आया होगा कि किस रीज़न की वजह से, किस क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आपके पर्सन ने मतलब आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या फिर शायद ऐसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कि शायद आपको जानते ही नहीं हैं, या फिर मतलब इंसल्ट कर दिया हो या फिर इग्नोर कर दिया हो, कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हो, या फिर हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, या फिर हर जगह से मतलब आपसे कांटेक्ट तोड़ना चाह रहे थे, वो कांटेक्ट मतलब रखना नहीं चाह रहे थे, मतलब सडन चेंज होगा। इन सम केसेस ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है गाइस, क्योंकि जनरल डीलिंग है तो हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए कि हो सकता है आपके पर्सन कुछ टाइम अपना अकेले ही स्पेंड करना चाहते थे, या फिर आपसे एक ब्लॉक कम्युनिकेशन में ही रहना चाहते थे, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते उस पीरियड ऑफ टाइम में, बट अब कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस रीज़न की वजह से किया। कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आप और आपके पर्सन दोनों ही मुझे इस एनर्जीज में नज़र आ रहे हो कि शायद आप लोग को, आप भी हो सकते हो कि पर्सन में सकते हो कि मतलब ट्रुथ का ही पता नहीं चला कि किस वजह से आप लोग के बीच में इतनी दूरियाँ आ गई, इतना डिस्टेंस आ गया। सो आज मैं उस एनर्जीज को भी लेना स्टार्ट चाहूँगी कि किस रीज़न की वजह से, क्या ऐसी वजह हो गई जिससे आप लोग के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया। सो जो मुझे यहाँ पे वजह दिखाई दे रही हैं, द डेविल की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जिसने शायद आपको या फिर आपके पर्सन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ावा देने की कोशिश करी, जिससे आप लोग के बीच में आपस में ही ना आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, बहस हो गई हो, अच्छे से मतलब बहस हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, आप लोगों ने दूसरे को ब्लॉक कम्युनिकेशन मतलब ब्लॉक कर दिया हो, या फिर बातचीत ही नहीं करना चाहते थे। आप लोगों ने शायद ये भी सोचा होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाऊंगी, सॉल्व आउट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। पास में भी देख सकती हूँ छोटी मोटी कभी कभी मुझे नज़र आ रही है नोक झोंक, या फिर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स होती है यूजुअली लोगों के बीच में, बट इस बार जो मुझे कंडीशन नज़र आ रही है उसमें अब उतनी जल्दी शायद बाहर नहीं आ पा रहे हो और अब बाहर आना चाहते हो। और आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि किस रीज़न की वजह से इतना कुछ जो है इनके रिलेशन में हो गया, और अब वो भी इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, एक फैसला नहीं ले पा रहे, लेना तो वो चाहते हैं चीज़ों को, वो समझ चुके हैं कि क्या सच्चाई है, क्या ट्रुथ है, मतलब सारी चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को या जो कुछ भी था ना उनकी लाइफ में, अब वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर चीज़ों को सोच रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने खोया है ना अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ की वजह से उनको अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है कि उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, आप उनसे दूर चले गए, बिकॉज आप उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे से नज़र आ रहे हो, आपके बिना वो अपनी लाइफ में अधूरा महसूस करते हैं, आपके बिना वो खुश महसूस नहीं करते हैं, आपके बिना नहीं रहना चाहते, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज हो गई कि शायद उन्होंने खुद से ही आपको ब्लॉक कर दिया, फिर खुद से ही आपसे दूर चले गए, बिकॉज वो कुछ ऐसी एनर्जीज में आ गए थे कि वो चीज़ों को ठीक से समझ ही नहीं पाए। तो अब आपके जो पर्सन है ना मुझे मतलब ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रही है कि वो डिसीजन लेना तो चाहते हैं, बट इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में देख सकते हो कहीं ना कहीं इश्यूज़ उनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे वो मतलब सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, लाइक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी अलोन हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें मतलब कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है उनकी उनसे आर्ग्यूमेंट हो गई हो, थर्ड पर्सन की और आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इशूज़ उन लोग के बीच में नज़र आ रहे हैं, उन लोग के बीच में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सम केसेस में हो सकता है गाइस, हर केसेस में मैं नहीं कह सकती बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनसे भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके पर्सन का भी जो मूड है ना मुझे सब ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली वो वीक महसूस कर रहे हैं और लो फीलिंग में है, सिचुएशन से एकदम बाहर आना चाहते हैं, उनके जो डीप थॉट्स हैं ना एक मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो एक पेन में है, सिचुएशन से टोटली बाहर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर कंट्रोल महसूस कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन है ना अब वो खुद से मुझे ऐसा एनर्जीज में नज़र आ रही है कि स्टेप लेंगे, वो अभी स्टेप भले ही नहीं ले पा रहे पर वो लेंगे,
और चीज़ों को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि अब वो चीज़ों पे ना कंट्रोल अपने अपनाना चाहते हैं, क्योंकि शायद पहले उन्होंने ऐसा फील किया कि पहले वो चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाए, उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया और उनकी लाइफ भी अपनी खुद से डिस्टर्ब से उन्हें महसूस होने रही है। तो अब अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने जो डिसीज़न लिया था ना वो उनकी मिस्टेक थी। सो मिस्टेक को अपने सुधारना चाहते हैं, चीज़ को ठीक करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और टोटली हर तरीके से वो कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हार्ड वर्क करने को इस बार वो तैयार है कि अब अपने रिलेशन के लिए वो भी उतना ही हार्ड वर्क करेंगे जितना आप उनके लिए करते हो, उतने एफर्ट्स लगाएंगे जितने आपने शायद पास्ट में लगाए थे, और अपने रिलेशन में जो भी उन्होंने ड्रीम देखा था या जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर वो देखते थे उसको वो कम टू बी ट्रू करेंगे। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो एंड पर्सनल रीडिंग।